नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रियाज वैष्णव और स्वागत है आपका अपने चैनल OMG में। फिर से स्वागत है दोस्तों आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज में, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे रियलाइजेशन ऑफ लॉजिक गेट यूजिंग नॉर गेट, मतलब कि नॉर गेट से हम बाकी के सारे गेट्स कैसे रियलाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। लास्ट वीडियो हमने देखा था जिसके अंदर हमने नैंड गेट से बाकी सभी गेट रियलाइज किए थे। तो चलिए बिना किसी टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नॉर गेट से कैसे हम रियलाइज करते हैं। पहला है नॉट गेट कैसे बनाते हैं हम नॉर गेट से। इसका हमने सर्किट दे रखा है, इसके अंदर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे होता है। इसके अंदर नॉट गेट के अंदर हमारे एक इनपुट होता है जो कि हमने लिया है ए, और एक आउटपुट होता है जो कि हमने लिया है क्यू। लेकिन नॉर गेट जो होता है उसके अंदर दो इनपुट जाते हैं, तो हमने दोनों साइड ए और ए भेज दिए। अभी ए और ए का जब यहाँ पे नॉर हुआ तो ये हुआ जो आउटपुट आया वो आया हमारा ए प्लस ए का होल बार, मतलब दोनों पे बार। अब ए प्लस ए जो कि होता है हमारा सिंगल ए, इक्विवेलेंट होता है ये सिंगल ए के, ए पे बार। ये ए पे बार जो है वो हमको नॉट मिल गया, मतलब कि ए से हमको ए का बार मिल गया यूजिंग नॉट। तो ये हमारा नॉट गेट हो गया। नेक्स्ट गेट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट गेट है हमारा नैंड गेट यूजिंग नॉर गेट। इसका सर्किट हमने दे रखा है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। एंड गेट के अंदर हमारे पास दो इनपुट्स होते हैं जो कि हमने ले रखे हैं ए एंड बी, और एक आउटपुट होता है जो कि हमने ले रखा है क्यू। अब हम देखते हैं कि इस वाले गेट के अंदर पहला जो गेट है इसके अंदर हम दोनों जो है वो ए ही सेंड कर रहे हैं, मतलब कि ये हमारा नॉट गेट की तरह वर्क कर रहा है। ये वाली जो चीज है ये हमारी नॉट गेट की तरह वर्क कर रही है, तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो होगा हमारा ए बार, और सेम टू सेम यहाँ पे तो ये हमको आउटपुट देगा बी बार। अब यहाँ पे ये ए बार जा रहा है और यहाँ पे ये बी बार जा रहा है। इसका जो क्यू निकलेगा, मतलब ये आउटपुट निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, वो निकलेगा ए बार प्लस बी बार का होल बार। तो हमारे पास डी मॉर्गन लॉ होता है जिसके अंदर ये होता है कि ए प्लस बी के ऊपर अगर होल बार होता है उसका आउटपुट होता है ए बार बी बार। तो इसको हम लिखते हैं ऐसे ही, इसके अंदर हमारे पास ए की जगह ए बार है और बी की जगह बी बार है। ये हो जाएगा ए बार हमारे पास पहले से था और उसके ऊपर एक बार और आ गया, और यहां पे हो जाएगा हमारा बी बार हमारे पास पहले से था तो बी बार हो जाएगा। ये ए बार बार इक्विवेलेंट होता है हमारा ए के, मतलब किसी भी नंबर का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं और फिर से उस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो सेम नंबर हमको मिल जाता है। तो ये हो जाएगा ए बी। ए बी क्या होता है, ये एंड ऑपरेशन होता है ए एंड बी का, जो कि हमको मिल गया है यूजिंग नॉर गेट। तो ये एंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट गेट है हमारा और गेट। और गेट मतलब नॉर से हम और कैसे बनाए। और गेट के अंदर भी दो इनपुट्स होते हैं जो कि हमने ले रखे हैं ए एंड बी, और एक आउटपुट होता है जो कि हमने ले रखा है क्यू। इसके अंदर हमने पहले ए और बी को एक नॉर गेट के अंदर भेजा, नॉर गेट के अंदर भेजा, तो हमारा जो आउटपुट आया वो आया ए प्लस बी बार। अब इस ए प्लस बी बार को ही हमने दोनों को एक ही गेट के अंदर डबल टाइम इसको भेजा, मतलब ये क्या करेगा, ये एज ए नॉट गेट वर्क करेगा। ये वाला गेट जो है वो नॉट गेट की तरह वर्क करेगा। ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी बार, तो ये पहले से था, और नॉट गेट क्या करेगा इसके एक और बार लगा देगा, और ये जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए प्लस बी के। ऐसे ही हमने अगर बेसिक्स पढ़े हैं इसके, तो नॉर गेट क्या होता है, और गेट प्लस नॉट गेट। इसने क्या किया, पहले नॉट और गेट प्लस नॉर गेट प्लस उसके आगे एक और नॉट गेट लगा दिया, तो वो हो गया वापस और गेट। ये आ गया हमारा
और गेट नॉर गेट से। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं नैंड गेट यूजिंग नॉर गेट। इसके लिए हमारे पास दो इनपुट्स है ए एंड बी और एक आउटपुट है क्यू। तो पहले ये जो वाला जो गेट है ये वर्क कर रहा है हमारा नॉट गेट की तरह, क्योंकि इसके अंदर जो दोनों है वो सेम ही इनपुट जा रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा ए, अगर इनपुट है तो ए बार हो जाएगा, और ये भी सेम नॉट गेट की तरह वर्क कर रहा है तो ये हो जाएगा हमारा बी बार। अब इस गेट के अंदर इनपुट जा रहा है हमारे ए बार और बी बार, ए बार और बी बार जा रहा है, तो ये हमको जो मिलेगा वो मिलेगा हमको यहां तक अगर हम देखें तो ये हमारा नैंड की तरह वर्क कर रहा है, एंड की तरह वर्क कर रहा है, सॉरी जो हमने एंड देखा था उसकी तरह वर्क कर रहा है। यहां पे हमको आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा एंड का, क्या आउटपुट आया था हमारा ए बी, ये हमारा वर्क कर रहा है एंड की तरह। यहां तक हमने एंड के लिए देखा था कि जब इतना सर्किट था तो हमारा एंड मिल रहा था हमको, यहां से हमको ए प्लस ए बी मिल जाएगा। अब ए बी का इसने क्या कर दिया, नॉट कर दिया, सेम इनपुट दे रहा है मतलब ये नॉट कर रहा है, ये हो जाएगा हमारा ए बी पहले से था और इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, नॉट कर दिया, मतलब कि हो गया ए बी बार, ये हमारा इस क्यू का आउटपुट आ गया। तो ए बी बार जो है वो हमको नैंड मिल गया, तो नॉट से हमने नैंड भी देख लिया, ये जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा नॉट, तो एंड प्लस नॉट हो जाएगा हमारा नैंड गेट। N plus not equal to NAND. और नेक्स्ट गेट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा XOR गेट, मतलब कि एक्सक्लूसिव OR गेट। इसके अंदर भी हमारे पास दो इनपुट्स है और एक आउटपुट है, देखते हैं इसके अंदर दो इनपुट्स है हमारे ए बी और आउटपुट है हमारा Q, देखते हैं इससे कैसे बना हमारा XOR गेट। तो ये वाला जो A है ये डायरेक्ट जा रहा है इस गेट के अंदर, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे A, और ये वाला जो B है ये डायरेक्ट जा रहा है यहाँ पे B। सेम टू सेम यहाँ पे ये डायरेक्ट जा रहा है ए और यहाँ पे डायरेक्ट जा रहा है बी हमारा। तो इस गेट के अंदर जो कर रहे हैं वो हम सिंपली हम नॉर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ए और बी का नॉर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी पे होल बार, ए प्लस बी पे होल बार। अब ये ए प्लस बी पे होल बार इस गेट के अंदर जा रहा है, ए के साथ में नॉर हो रहा है, इसका जो आउटपुट हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस ए प्लस बी पे बार एक तो पहले से था और इस होल के ऊपर बार एक और आ गया। सेम टू सेम इसी का होगा, ये हो जाएगा बी प्लस ए प्लस बी बार ए प्लस बी के ऊपर पहले से बार था और एक जो है वो इन दोनों के ऊपर बार आ जाएगा। अब किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं हम तो हमको दूसरा हम उसी के अकॉर्डिंग देख के लिख देंगे। इसको जब हमने डी मॉर्गन लॉ से सॉल्व किया तो ये आया हमारा ए डॉट, ये हो गया हमारा ए प्लस बी बार, ये पहले से था हमारा और इसके ऊपर दोनों के ऊपर एक एक बार बार आ गया, तो एक एक बार और बार आ गया। तो इसको सॉल्व किया हमने, तो ये आगे वाला तो ए बार ही रहा और इसके ऊपर डबल बार थे तो ये इन दोनों बार को कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा ए प्लस ए बार प्लस ए प्लस बी। अब ये भी सॉल्व हो जाएगा हमारा, इसको भी ओपन कर लेते हैं तो ये हो गया हमारा ए ए बार और ये हो गया हमारा ए बार प्लस बी, तो सॉरी ये प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, ये हो गया ए ए बार प्लस ए डॉट बी, तो ए ए बार जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास जो केवल बचा वो बचा ए बार बी
बी। ये बचा हमारा इसका आउटपुट, इसका क्या हो जाएगा सेम टू सेम, यहां पे ए बार था तो यहां पे क्या हो जाएगा बी बार और बी, तो सॉरी बी बार ए, बी बार ए मिल गया यहां पे। अब इन दोनों को हम पुट करते हैं इसके अंदर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं और, तो ये हो जाएगा ए बी बार, ए बी, बी के ऊपर बार। अब ये हम देखें तो क्या हो गया, इसके अंदर तो मिला हमको ए बी बार और इसके अंदर मिला हमको ए बी बार, सॉरी इसके अंदर मिला हमको ए बार बी और इसके अंदर मिला हमको ए बी बार, तो ये दोनों जो है हमने इस गेट के अंदर दिए, इस गेट के अंदर दिया तो हमारा जो आउटपुट आया वो आया, तो ये जो हो गया हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा ए बार बी प्लस ए बी बार और इन दोनों का बार, नॉर है इसलिए बार हो जाएगा। तो इसको हमने जब इसके अंदर भेजा मतलब कि क्या कर रहा है, सिंपली कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार का बार पहले से था और इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया मतलब कि एक और बार आ जाएगा, तो ये बार से बार कैंसिल हो गए, ये हमारा आउटपुट आया ए बार बी प्लस ए बी बार, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये हो गया हमारा ए बार बी प्लस ए बी बार, जो कि इक्विवेलेंट होता है हमारे एक्स और के इक्विवेलेंट, एक्सक्लूसिव और के इक्विवेलेंट। तो हमारा एक्सक्लूसिव और भी हमको मिल गया नॉर गेट से केवल। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, अब लास्ट एंड फाइनल है हमारा एक्स नॉर मतलब ये एक्सक्लूसिव नॉर, ये बनाते हैं हम नॉर गेट से। तो इसके अंदर भी हमारे पास दो इनपुट्स होते हैं ए एंड बी और एक आउटपुट है हमारे पास क्यू। तो इसके अंदर ये हमने यहाँ पे ए गया सीधा और यहाँ पे भी डायरेक्ट ए जा रहा है, यहाँ पे बी जा रहा है और यहाँ पर भी बी जा रहा है। तो ये जब इस सर्किट के अंदर ए और बी गए तो हमको मिला यहाँ पे ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार मिल रहा है और ये मिल रहा है हमको ए और ए प्लस बी बार, ये हमने पहले सॉल्व किया था तो हमको मिला था ए बार प्लस सॉरी ए बार बी मिला था हमको लास्ट वीडियो के अंदर देख लेना, ये हमको ए बार बी मिला था और ये मिला था हमको ए बी बार। अब इन दोनों का हमने फिर से नॉर कर दिया तो ये मिला हमको ए ए बार बी प्लस ए बी बार, और फिर इन दोनों का बार। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, इसको सॉल्व किया तो हमारा आया, इसको सॉल्व करेंगे ना हम तो सिंपली हम देखेंगे कि ये जो है ये सिंपली जो आ रहा है वो आ रहा है एक्स और वाला, एक्स और का जब हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमको एक्स नॉर मिलता है, तो ये एक्स नॉर की इक्वेशन मिल जाएगी हमको, क्या मिलेगी ए बी बार ए बी प्लस ए बी बार, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिल जाएगी सिंपली। तो ये हमको एक्स नॉर मिल गया, तो हमारी छह के छह गेट हमने ड्राइव कर लिए, रियलाइज कर लिए नॉर गेट से। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे छह के छह गेट, और अगर पसंद आ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर बता दीजिए हमको ताकि हम और अच्छे वीडियो बना सके। और गाइस अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से वीडियो देखने के लिए इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए।
होप आपने ये सब पहले से कर रखा होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अच्छा नहीं लगा तो कमेंट कर बताएं। और रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।